इतना प्यारा सा चेहरा है, पर आप जो दो प्यार करने वाले उनमें खलल डालने वाली, क्यों भला? जी, अब मेरा ऐसा ही लिखा गया है किरदार, तो मुझे उसमें मैं खलल नहीं डालूंगी, और अगर उनमें खलल होगी भी तो वो इंटेंशनली नहीं होगी मेरी तरफ से, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है उनके रिश्ते के बारे में, मैं अज्ञात हूँ उनकी चीज़ों से। तो अगर उन्हें लगा, उन दोनों को बहुत बुरा लग रहा हो, तो अभी से माफ़ी मांग लेती हूँ। आपका उर्वशी का जो किरदार है उसके उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगी? उर्वशी बहुत ही बोल्ड लड़की है, एक आउटस्पोकन लड़की है, इंडिपेंडेंट लड़की है। इंडिपेंडेंट इसलिए भी है क्योंकि वो एक फैशन डिज़ाइनर है सक्सेसफुल पटना, और जो भी वो आज तक बनी है वो अपनी खुद के मेहनत से बनी है, एंड शी इज़ वेरी प्राउड ऑफ इट, एंड शी टेक्स इमेंस प्राइड इन इट, एंड सो डज हर फादर, एंड दैट्स व्हाई उसके फादर उसे बहुत पैम्पर्ड रखते हैं। सो बीइंग पैम्पर्ड एंड बीइंग फ्रॉम अ रिच फैमिली, उसे ऐसा लगता है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, इस वजह से भी उसका रवैया लोगों की तरफ ठीक नहीं। शी इज़ वेरी स्टबर्न, वेरी बॉसी, डोमिनेट करती है बहुत लोगों को, उससे जो क्लास में छोटे हैं या फिर अपनी क्लास के, शी इज़ वेरी फर्म इन हर स्टफ एंड ऑल, बट बिसाइड दिस शी इज़ ऑल्सो अपने काम को लेकर वो बहुत एम्बिशियस है, बहुत ही क्रिएटिव लड़की है, टैलेंटेड है, तभी वो इस मकाम तक खुद पहुँची है। एंड तो जो यही है मेरा किरदार उर्वशी का। अच्छा, आप तीनों जो मतलब दो मेन लीड है और आप एक ही एज के हैं, तो सेट पर कैसा मतलब आपका किस तरह से एक घुल मिल जाना या किस तरह से इंटरेक्शन होता था? जी, सिंस वी ऑल ऑफ द सेम एज, हमें वी कैन एक दूसरे के साथ माइंड कनेक्ट इजीली हो जाता है, तो इट्स रियली फन। इनफैक्ट सिर्फ हम तीन ही नहीं, जो पूरी कास्ट है बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ब्रिलियंट एक्टर्स हैं सारे जो भी कास्ट किए गए हैं, उनके साथ भी अभी शूट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम सब एक साथ शूट करें, सीन्स के दौरान अपनी नॉलेज शेयर करें, एंड दैट्स हाउ वी ग्रो एज एक्टर्स। अच्छा, गौना का मतलब आप अपनी तरह से किस तरह समझाएंगी अपने ऑडियंस को? गौना एक प्रथा है जो विलेजेस में चलती आई है, विलेजेस ही नहीं, मैं तो कहती हूँ काफ़ी छोटे शहर भी हो चुके हैं जहाँ पे ये होती है प्रथा। बेसिकली मुझे जहाँ तक समझ आती है वो ये है कि बचपन में लड़का लड़की की शादी जब की जाती है, लड़की की इतनी उम्र नहीं होती कि उसकी विदाई की जाए, तो एक जब वो उम्र की हो जाती है, सही उम्र की, तब लड़का उसे अपने घर ले जाने आता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं गौना। तो हमारा शो भी यहीं से शुरू होता है कि गौरव गहना को उसके गौना के लिए लेने जाने वाला होता है, लेकिन इस कारण की वजह से वो नहीं जा पाता। अब वो कारण कैसे पैदा होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उसके लिए आप लोग प्लीज़ 10 July 9:30 से हमारा शो देखिए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इट्स रिफ्रेशिंग, इट्स न्यू, एंड वी आर रियली वर्किंग हार्ड। आई एम श्योर अबाउट इट, बट मुझे एक बताइए उर्वशी, मतलब जहाँ पर ग्रोन अप्स है, मतलब अबाउट 18 या अबाउट 25, अभी तो मतलब वर्किंग क्लास बढ़ रहा है तो अबाउट 30 भी शादी हो रही है, वो डिसाइडेड मैरिज सोची समझी फैमिली क्रिएटेड मैरिज नहीं टिक पा रही है, ये बचपन का मैरिज नॉर्मली समाज में किस हद तक टिक पा सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है वो एक दौर था जब पेरेंट्स को लगता था कि यंग शादी कर लेना ज़्यादा बेटर है, और एक आज का दौर है जहाँ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि उस टाइम के जो पेरेंट्स हैं उनकी समझदारी गलत है या सोच गलत है, और इस टाइम की जो लोग हैं उनकी सोच अलग है, डिफरेंट है। इट्स जस्ट दैट वो दौर अलग था, ये दौर अलग है, कोई गलत सही नहीं है। इनफैक्ट काफ़ी मॉम डैड्स आज भी होते हैं जो पेरेंट्स, उन्हें लगता है कि बच्चों की शादी आई थिंक जल्दी हो जानी चाहिए, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू एडजस्ट एज यू ग्रो, यू नो व्हेन यू ग्रो अप यू हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस, यू बिकम वेरी पिकी एंड चूजी अबाउट थिंग्स। आई एम श्योर आपको भी ऐसा ही लगता होगा। सो या, तो मैं ये नहीं कह सकती कि गलत और सही है, इट्स जस्ट कि टाइम टाइम की बात होती है, आई थिंक चीज़ें अपने वक्त के हिसाब से सही हो जाती हैं। गौना एक प्रथा के बाद में आप क्या करी, कोई दूसरी सीरियल वेब सीरीज वगैरह कुछ कर रही? फिलहाल तो आज हमारा शो लॉन्च है, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, इट वाज रियली स्पेशल, बहुत अच्छी अरेंजमेंट की, बहुत सारे लोग आए, आप लोगों से इंटरेक्शन हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है,
अपने बारे में बताना, अपने किरदार के बारे में बताना. बिसाइड्स दिस डेफिनेटली अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अगर इस शो के दौरान होंगे देन वी वर्क इट आउट, अगर इसके बाद होंगे तो क्या कहें. मतलब कुछ है आने वाले थिंग्स एज एन एक्टर, आप बहुत सारी चीज़ें आपको ऑफर की जाती हैं, तो जैसे टाइम मिलेगा अगर इसके दौरान हो जाए तो ठीक है, नहीं तो बाद. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच.